وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وصلِّم على نبينا محمد، وبارك وسلِّم وصلي عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا،

और दुरुदोसम शफी उलमजनबीन ख़ातमनबीन रसूल करीम रऊफ़ुरम सल्ला व आलही व सल्मा की ज़ात अकदस पर गुज्त खुतब जुम्मा में मैंने चंद उन आमाल की निशानदही की कि पाकिस्तान में अपने शहर में अपने घर में होते हुए आप हज और उम्र का सवाब हासिल कर सकते हैं उन अमाल में से पहला जो अमल है वो सच्चे दिल के साथ हज की उम्रे की नीयत करना इरादा करना है दूसरा अमल जो है वो अपने वालदेन की खिदमत करना उनकी रजा का मुतलाशी और तालिब रहना तीसरा जो अमल है वो बावजू होकर फर्ज नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाना चौथा अमल है फर्ज नमाजों के बाद जिक्र असकार करना और पांचवा अमल जो मफलूकुल हाल है माली तौर पर कमजोर लेकिन खुददार गैरतमंद है लोगों से सवाल नहीं करता महरूम को तलाश करके उसके साथ माली ताउन करना अल्लाह तबारा का वाला इन आमाल के करने वाले को हज का सवाब अता करते हैं अब आज के खुतबा जुमा में गुजश्ता से पवस्ता मैं चंद और आमाल की निशानदेही करना चाहता हूं और उन आमाल की निशानदेही करते हुए एक अमल ऐसा है कि हमारी जो अक्सरियत है मजहबी लोग हैं सफे अव्वल के नमाजी हैं उलमा और नमाजें पढ़ाने वाले जो इमाम हैं उनके अंदर वो कोताही पाई जाती है उस कोताही के हवाले से मैं बिलखसूस अल्लाह ताला और उसके रसूल की कीमती जो बातें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं अब वो कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने से अल्लाह तबारक का मताल जो है वो बंदे को हज और उम्र का सवाब अता करते हैं नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाजन मुजाहिदा जो आदमी हाजी उसकी मदद करता है हज करने में दरखास्त करवाने में मदद करता है सामान को जमा करने में मदद करता है सफर के आने जाने में मदद करता है यानी किसी भी हज पर जाने वाले की अमली तौर पर मदद करने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारा का बताला पूरे हज का सवाब अता फरमाते हैं इसी तरह जो अल्लाह तबारा का वाले की राह में जिहाद करने वाला है उसकी मदद करने वाला किसी भी एतबार से, अगरचे वो अपने वतन में है घर में है अल्लाह तबारा का बता उसको भी जिहाद जिहादी सबी का अज़रो सवाब अता करते हैं आप सल्लाम ने उम्मत को जो बशारत दी है कोई भी शख्स नेकी बताए नेकी की तरफ रहनुमाई करे अब उसकी बात को सुनकर कोई बंदा नेकी के लिए तैयार हो जाए या नेकी करता है अल्लाह तबारा का बतारा रहनुमाई करने वाले और नेकी बताने वाले को भी पूरे का पूरा अजर सबाब अता करते हैं यानी अगर कोई साहिब माल है और आप उसको रगबत देते हैं भाई अल्लाह ताला ने तुझे माल दिया है उम्रा किया है वो कहता है नहीं किया तो आप उसे तरगीब देते हैं भाई उमरा कर हज कर अगर तूने हज नहीं किया तो हज कर अब ये जो तरगीब है अल्लाह तबारा का बता तरगीब देने वाले को नेकी बताने वाले को भी नेकी करने वाले के बराबर अजर सवाब अता फरमाते अब ये एक ऐसा अमल है हضرات, इसी तरह नबी सलात ने फरमाया है कि जो बंदा रमजान के अंदर उम्र करता है अल्लाह तबारा का बाल रमज़ान के अंदर उम्र करने वाले को भी हज का सवाब अता करता है बाज रिवायात के अंदर आता है कि मेरे साथ हज करने के बराबर अल्लाह ताला उसको सवाब अता करता है तो अल्लाह तला की तोफीक से अल्ला ने एक सफर में हमें भी शादत दी रमजान के अंदर उमरा करने की तो ये नबी अलैहि सलात का जो फरमान है समझ आता है कि रमज़ान के अंदर रोजे की हालत में मसद हराम में आना और जाना ये इसी तरह मुशक्क़त है कि जिस तरह हज के अंदर मुशक्त होती है तो अल्लाह तबारा का बताला बंदे की मशक्क़्क़्क़त पर उसको फिर अजरबी बेबहा अता फरमाते हैं और रमजान के अंदर उमरा करने वाले को हाज करने का सवाब जो है वो दिया जाता है अब हजरात कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिन आमाल के करने पर नबी सलात सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारा का वाले जो है वो इंसान को उमरे का सवाब अता करता है जिनमें पहला अमल रसूल ने फरमाया जो आदमी अपनी रिहायश रहता है वहां से वजू करता है और वजू करने के बाद मस्जद कुबा ये मसद कुबा जो है ये मदीना मुनवरा में है मसद कुबाह नबी सलात सलाम

बावजू होकर मस्जिद कुबा जाकर दो रकत नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारा का वाल उस नमाज अदा करने वाले को भी उम्र के बराबर सवाब अता करते हैं यानी उसका सवाब इसी तरह है कि जिस तरह उसने उमरा किया है अब चौथी हदीस जो है यहां से आज के खुतब जुमा का जो असल मकसद है उसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं वो चौथी हदीस क्या है सूर्ण अभी दाऊद के अंदर हदीस है नबी अलात सलाम ने फरमाया है कि जो बंदा वुजू करता है और वुजू करने के बाद वो मस्जिद में आता है नमाज अदा करने के लिए फर्ज नमाज नहीं फर्ज नमाज के बारे में मैं आपको हदीस सुना चुका हूं फर्ज नमाज अगर घर से बावजू होकर मस्जिद की तरफ आएगा फर्ज नमाज की तरफ आएगा तो अल्लाह तबारा नामे आमाल का मतला उसके नाम में हज का सवाब लिख देगा अब वो घर से वजू करता है और घर से वजू करने के बाद वो मस्जिद की तरफ आता है नफल नमाज के लिए नफल पढ़ने के लिए कि चलो मैं मस्जिद में जाता हूं और मस्जिद में जाकर मैं पहले सुनते अदा कर लेता हूँ मस्जिद पढ़ लेता हूँ तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारा का वताला नफल की तरफ जो बढ़ने वाले कदम है ऐसे बंदे को उमरे का सवाब अदा करते हैं अब यहां से जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आप सल्लाम की जिंदगी और सहाब कराम की जिंदगी नवाफिल की कसरत के साथ मुजयन है भरी हुई है और हम और हमारी अक्सरियत नफल चोर है बड़ी माजरत के साथ इमाम भी आएंगे नफल नहीं पढ़ेंगे फर्ज पढ़ाए और फिर बाद वाले नफल भी ना पड़े कुछ देर बैठे रहे और उठ कर चले गए ऐसे ही जो बाहिर मजहबी हैं दीनदार नजर आते हैं उनकी दाढ़ियां माशाला उनका लिबास सुन्नत के मुताबिक है उनका तहमन कपड़ा टखनों से ऊपर नजर आता है वो मजहबी जमातों के अमीर नाजिम और जिम्मेदार हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो फराइज के अंदर कोताही के साथ साथ नफलों की चोरी भी करते रहते हैं अब आप सुनिए रसूल आपके आमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी हुई रगबत है सबसे पहली है नबी अलैहि वसलाम ने फरमाया जो बंदा अच्छे तरीके से वजू करता है यानी बड़े अच्छे तरीके से कुली करता है नाक की सफाई करता है चेहरे को धोता है दाढ़ी का खलाल करता है बाजू बड़े अच्छे तरीके से यानी बड़े तहमुल से बड़ी तवज्जो से आपने देखा है बाज लोग बड़ी जल्दी जल्दी से वजू करते हैं और उजलत में वजू करने की वजह से वजू के अंदर कोताही भी रह जाती है बाज लोग जो है उनका वजू गैर मुरतब होता है कोई यूजफ तीन मरतबा धो लिया कोई पांच मरतबा धो लिया और कोई एक मरतबा धो लिया तो मुरतब वजू भी नहीं करते और तहमुल से भी नहीं करते और तवज्जो से भी नहीं करते सलाम ने फरमाया तवज्जो से वजू करता है बड़े तहमुल के साथ और बड़ी तसली के साथ वजू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दो रकत नवाफिल अदा करता है बड़ी इनाबत के साथ यानी वो दिल लगाता है तवज्जो अब यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं अक्सर जो लोग नमाज पढ़ाते हैं आपके अंदर ऐसे अफराद भी बैठे हैं जो मस्जिदों के अंदर इमाम है अब मस्जिदों के अंदर जो इमाम नमाजें पढ़ाते हैं नमाजों के अंदर ही वो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं पहली जो दो रखते हैं उनमें किरात करनी होती है अब बाद वाली जो दो रखते हैं उनमें जहरी किरात बवाज बुलंद किरात नहीं होती ये बात आप सब के लिए भी नसीहत वाली है अब जोहर और असर जो है उन चारों वक्तों के अंदर आहिस्ता किरात करनी है अब तरतीब किस तरह है भाई पहली रकत बड़ी होनी चाहिए दूसरी फिर उसके बाद कदरे छोटी होनी चाहिए और बाद वाली जो दो रखते हैं वो बराबर होनी चाहिए कि उनमें वो सूरत फातहा पड़ता है अगर कोई साथ और सूरत मिलाए तो तरतीब के साथ पहली रकत बड़ी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी अब होता क्या है पहली रकत मुख्तसर है दूसरी बड़ी है तीसरी बड़ी है चौथी उससे भी बड़ी है या पहली बड़ी है तो दूसरी छोटी है तीसरी बहुत बड़ी है तो चौथी छोटी है अब इसी तरह पहली मुख्तर है बात वाली बहुत बड़ी है कोई सजदा छोटा है कोई बड़ा है तो ये जो नमाजें हैं ये बेहजूर नमाजें हैं कि नमाज पढ़ाने वाले की किरात की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है माना की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है और उसकी अदायगी की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है यानी रवाजी नमाजें पढ़ाई जा रहे हैं और लोग जो है वो पीछे पढ़ने वाले परेशान होते हैं कि कारी साहब जो है वो नमाज किस तरीके से पढ़ाते हैं इसका सबब क्या है ये मसला जो है वो आम लोगों के साथ भी है कि नमाज पढ़ते हुए वो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं नमाज में हिसाब करते हैं नमाज में वो लुकमें देते नजर आते हैं तो ये जो चीज है ये किस वजह से है ना इसकी तरफ हमारे उलमा और आय तो करते हैं ना आवाम की तोजो करवाते हैं जो नमाज कि नमाज जो है, वो किस तरह पढ़नी है यहाँ पर दो तो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ पहली बात अल्लाह तबारक वाली ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है आप अपने रब को दिल में याद करें अगर आप जुबान से पढ़ेंगे तो दमाग कहीं होगा और जुबान कहीं होगी नमाज के लिए दो चीजों का वक्त इकट्ठा होना जरूरी है कि आप जुबान के साथ पढ़ते पढ़ते अगर दिल को साथ शामिल करेंगे तो ये कमाल है और अगर जुबान से पढ़ते पढ़ते आप दिल और दमाग दोनों को शामिल कर ले तो यह सबसे बढ़कर कमाल है अब इसका नतीजा क्या है नबी सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्ला ताला की बंदगी ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो यह अल्लाह ताला को देखने वाली जो कैफियत है यह तब पैदा होती है जब जुबान के पढ़ने के साथ साथ आपका दिल और दमाग शामिल हो यानी ये तीनों चीजें इकट्ठी होगी तो आपकी कैफियत ये होगी कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती कि आप अल्लाह को देख रहे हैं तो ये जान ले कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है तो ये अल्लाह ताला आपको देख रहा है ये कैफियत कब पैदा होती है जब दिल और जुबान एक हो तो हमारे नमाज पढ़ने वाले उनकी जो है जुबान वो तो पढ़ती है लेकिन दिल शामिल नहीं होता दिमाग शामिल नहीं होता जिसके नतीजे में बेहुजूर, यानी बगैर तवज्जो के बगैर इनाबत के नमाजें हम पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं है कि हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं सुबह नकल्ला हमदी का व तबारा कसम का वत जदू का पचास पचास साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए और अगर उनसे पूछा जाए कि वत अला का इसका माना क्या है आप अल्लाह को क्या कह रहे हैं हमदन कसीरन, फी। किराम कैसे नमाजें पढ़ते थे नबी सलाम ने नमाज पढ़ाई आपने फरमायालीमन हमीदा रबना हम। अब सियाबी जो है उसका दिल जो है वो नबी अलैहि सलातु सलातूसम के कलेमात की तरफ था अल्लाह अल्लाह अल्ला। अल्ला ने सुन लिया बंदे की बात को सुन लिया जो बंदा अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा था अल्लाह की हमद बयान कर रहा था तो उसके अंदर जोश पैदा हुआ जोश सुबहान अल्लाह उसकी जुबान से क्या निकला रबाना वल अकल हमदन कसीरन तयीबन मुबारकन फिही रब्बा ना वलकल हम अल्लाह सारी तरीफ़े तेरी हैं हमदन कसीरा बेहदो बेहिसाब बेशुमार तरीफ़े तेरी हैं तयीबन पकीजा मुबारकन ऐसी तरीफ़े तरी तरी जो खत्म होने वाली नहीं है हर वक्त तरीफ़े हो रही हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वलلهैं ने जब सलाम फेरा तो आपने फरमाया मनिल मुतकलिमू कौन बंदा है जिसने नमाज के अंदर ये कलमे पढ़े हैं हमदन कसीरन तय मुबारकन फी ही तो वो बंदा जो है ना वो डर गया उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे डांटेंगे पर मैं मैंने नमाज की हालत में अल्लाह ताला के तीस के करीब फरिश्तों को देखा हर फरिश्ते की ये कोशिश थी कि वो ये कलमा लेकर अल्लाह के पास जाए तो ये जो चीज है हमारे अंदर होनी चाहिए बड़ी माजरत के साथ अल्लाह की जो गैर पसंदीदा नमाज है ना उसकी अलामत क्या है उसकी अलामत में से पहली अलामत है कि लोग जो हैं वो नमाज के अंदर खारिश करेंगे कभी दाढ़ी को कभी सर को कभी बदन को कभी वजू का पानी नमाज के अंदर पूछना शुरू कर देंगे कभी एक हाथ बांधेंगे एक छोड़ेंगे फिर दूसरा बांधेंगे फिर पहला छोड़ेंगे कभी एक टांग पे कभी दूसरी टांग पे कभी साथ वाले को मोटा मार देना कभी पाऊ के साथ पाऊ ठोक देना पूरी नमाज के अंदर ही वो खेल तमाशा करते रहते हैं सुरने अभी दाऊद के अंदर हदीस है सलाम ने फरमाया नमाजी जब नमाज पढ़ता है ना तो अल्लाह ताला उसको आधा सवाब देते हैं एक नमाजी नमाज पढ़ते अल्लाह ताला उसको चौथाई सवाब देते हैं, एक नमाजी नमाज पढ़ते अल्लाह ताला उसको दसवां हिस्सा सवाब देते हैं और एक नमाजी नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला नमाज को उसके लिए लानत का तोक बना देते हैं आप देख ले कई लोग बसों की स्पीड को भी नमाज में पीछे छोड़ देते हैं इतनी तेजी से नमाज पढ़ेंगे अलमान वल हफीज कई लोग जो नमाजों की अदायगी में वक्त की परवाह नहीं करते नबीलाम ने फरमाया कि ऐसे लोग आएंगे ऐसे हुक्मरान आएंगे जो नमाजों को उनके वक्तों से जाया करके पढ़ेंगे तो यह भी क्यामत की निशानियों में से निशानी है नबीलाम ने फरमाया कि ऐसे नमाजी कव्य की तरह ठूंके मारेंगे कव्य की तरह और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इमाम से पहले सारू उठाए सजदे से रासहु ना कर दे। एक जालिम था, उसने कहा मैं देखता हूं मेरा सर जो है वो गधे के सर के अंदर किस तरह तब्दील होता है उसने इमाम के सर उठाने से पहले इस हदीस का मजाक उड़ाते हुए सर उठाया अल्लाह तबारा का उसके सर को हकीकतन गधे के के सर के अंदर तब्दील कर दिया तो मेरे भाइयों दोस्तों बात करने का मकसद क्या है अपनी नमाजों का हम जायजा लें। नमाज के अंदर जो कुछ भी हो जाए यह नमाज है हदीस इसकी तिलावत इसका इतना अदब मुहद को हदीस पढ़ाते हुए अगर कहीं भेड़ ये ड मार देती चेहरा तो मतगिर होता था लेकिन हदीस के अदब के अंदर वो अपनी जो है वो हालत उसको तब्दील नहीं करते थे कि हदीस की बेदबी ना हो जाए नमाजों के अंदर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पुराने दौर के अंदर अतिबा थे तबीब थे जर्रा थे जो आजा काटते थे आजा कोई नासूर हो गया है तो उजब को तल्फ कर देते थे एक मुहतीस गुजरे हैं, वो नमाज के अंदर इतना मगन हो जाते थे अल्लाह की शान सफर के दौरान उनको मोच आ गई, वो वो बिगड़ती-बिगड़ती जो है ना, वो उनका हो हो गया, नीला हो गया, नीला जर्रा ने कहा कि ये पाऊ जो है वो काटना पड़ेगा और पाऊ काटने के लिए आपको नशावर चीज जो है वो पिलानी पड़ेगी सुबहान अल्लाह वो क्या कहते हैं कि नहीं मैंने नशा नशावर चीज नहीं पीनी अल्लाह के नबी ने फरमाया नशा पीने वाला रब की जन्नत में नहीं जा सकता अगर भी है कि इलाज के लिए है, लेकिन तक्वा क्या है लेकिन क्या उन लोगों का उसने कहा जी फिर पाऊ आपका कैसे काटेंगे वो कहने लगे कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना तो फिर मुझे दुनिया और वमाफिया का पता ही नहीं होता तो मुहद ने लिखा है कि नमाज उन्होंने शुरू कर ली और तुरान नमाज जर्राह ने उनका पाऊ काट लिया और उनको तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ इसका सबब क्या है कि दिमाग की जो पूरी तवज्जो है वो आखिरत की तरफ थी बदन की तकलीफ की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं थी हजरात मैं ये वाक्य पहले भी कई दफा सुना चुका हूं मौलाना तबूद गजनवी रमत पाकिस्तान के अंदर गजनवी खानदान जो है उनकी तोहीद फैलाने में सुन्नत फैलाने में बड़ी खदमात है मौलाना गजनवी रहमतुल्ल उनके आबाऊ अजदाद में बड़ों में एक शख्स गुजरे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्ल ये अफग़ानिस्तान के शहर गजनी के अंदर रहते थे वहां पर हनफी याकिम था तो वो अहले तो के बारे में बड़ा सख्त था जाबिर था। तो उन्होंने हिजरत की गजनी से दिल्ली के अंदर आ गए दिल्ली में मियां नजीर हुसैन मुहदस देरमत बड़े बुलंद पाया इमाम और मुहदिस गुजरे हैं। ये जो सऊदी हाकिम है शाह सलमान इसके जो वालिद हैं शाह अब्दुल अजीज ये भी के शागिदों में शामिल हैं, उन्होंने संद इजाज मियाँ नजीर हु से हासिल की तो ये मिया साहब के मदरसे में दाखिल हो गए कुछ अरसा गुजरा तो वालिद ने कहा मैं पता तो करूं मेरा बच्चा पढ़ता कैसा है वो मिया साहब के पास गया कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है उन्होंने कहा सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह आप अपने इस बच्चे की बात करते हैं हदीस पढ़ना मैंने इसको सिखाया है और नमाज पढ़ना इस बच्चे ने मुझे सिखा दिया यकीन जानिए आप कभी गौर करें ये जो बच्चे हैं ना ये फितरत पर होते हैं कई मस्जिदों के अंदर बच्चे पांच वक़्त की नमाजें बड़ी पाबंदी से अदा करते हैं इतनी पाबंदी कि वो पाबंदी हम मौलवी भी, भी नहीं कर सकते और होते बच्चे हैं अल्लाह ताला उन बच्चों का इंतखब अपने दीन के लिए करता है और उन बच्चों के जरिए अल्लाह ताला तलाशरे के लोगों को सबक देता रहता है कि देखो, ये देखो, बच्चे होकर वकत की और जमात की और तकबीर उला की कितनी पाबंदी करते हैं और तुम मौलवी होकर और दीनदार होकर पीछे रह गए हो हजरात मिया साहब रमतुल्ला ने जो इतनी बड़ी बात की है उसका सबब क्या है उसका सबब यह है ये आगे सामन बातों जो मूनसून का मौसम है जिसे हम अपनी पंजाबी जुबान में सौन पादरों कहते हैं फटाफट से बादल आ जाते हैं फटाफट से बारिश इधर बारिश इधर धूप कहीं बारिश और धूप इकट्ठे ये अल्लाह का अजीब निजाम है उसकी कुदरत का सौन पादरों का मौसम अंदर गुम्मा यानी अंदर हबस तो नमाजियों ने कहा कि मुख्तसर सी नमाज है दस पंद्रह मिनट की बाहर पढ़ लेते हैं कहा जी पढ़ लो सेहन के अंदर नमाज़ शुरू की पहली रकत हुई, पहली रकत रकत हुई तो बारिश उतरना शुरू हो गई नमाजियों ने नमाज तोड़ दी अतराफ के अंदर खड़े हो गए अतराफ पे वो नमाज पढ़ा रहे अल्लाह अकबर सलादा अल्लाह अकबर पहली रकत दूसरी रकत तीसरी रकत चौथी जब सलाम फेरा जो उल है वो फारसी को कुछ कुछ समझते हैं बारह शबद बारिश हो रही थी अल्लाह की कसम है दौरान नमाज मुझे बारिश होने का पता ही नहीं चला हजरात हमारा रब वो पसंद करता है कि हम ऐसी नमाजें पढ़ें कद पढ़े मिनून और ये वो नमाज है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी की हदीस ये हदीस समझाने के लिए मैंने इतना सबर किया है अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छे तरीके से वजू करता है फिर पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ उसकी इनाबत है पूरी तवज्जो के साथ दुनिया कड़ के माल कड़ के औलाद निकाल कर वसवास निकाल कर वो सारी नमाज हम जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है माल आ गया वसवास आ गए औलाद आ गई हिसाब आ गया नमाज के अंदर ख्वाहिशात आ गई ये चीजें आती जाती हैं नमाज का दर्जा कम होता जाता है तोज्जो जो है वो खत्म होती जाती है नमाज का दर्जा नीचे चला जाता है और बाज ऐसे भी बदनसीब हैं अल्लाह तमें महफूज रखें शैतान नमाज के अंदर उनको शहाबत ले आता है नमाज के अंदर ही शख्स की तरफ उनकी तवजो हो जाती है शैतान उनके ऊपर ऐसा सवार होता है कि उनकी फेर फेरके रख देता है प्याजे थोड़ा सारा कुछ तो नमाज हमने कैसे पढ़नी है पहले आप ये देखें कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूं अल्लाह या अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा हूं मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी डाल दे इस तरह अल्लाह के सामने बात करनी है जैसे हम किसी बंदे से अपने प्यारे से बात कर रहे हैं ना, ऐसे हम अल्लाह से नमाज के अंदर बात करें अल्लाह तू अपनी सारी तारीफों के साथ हर ऐब से पा कबार अकसमुख मैंने तेरे नाम से ये नमाज शुरू की है सारी बरकतें तेरे नाम के साथ हैं वो कसम जदुख अल्लाह तेरी बुजुर्गी बुलंद है। इंसान बुलंदी से रुकू में पस्ती की तरफ और रुकू से फिर सजदे में पस्ती की तरफ जा रहा है वह ताला जदुख वला इलाहा गई रुख वाला इलाहाई रुख और या अल्लाह तेरे सिवा कोई महबूद बरहक कोई मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है ही नहीं यानी ये जो चीज है कि आप पहले ये देखे मैं क्या पढ़ रहा हूं और फिर उसका जो तर्जमा है जब आप इसकी तरफ तवज्जो करेंगे फिर उसके साथ साथ आपने अपनी हरकतों सकनात को कंट्रोल करना है शैतान नमाज के अंदर खुजली करता है हाथ बांधे हुए छोड़ क्या कभी ऐसे कर रहे जो मर्जी हो जाए आपने हरकत नहीं करनी ये नफ्स के ऊपर जबर करें सलाम ने फरमाया "अल मुजाहिदु मन फरमायादू मनजाह हकीकी तौर पे मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स को कुचल कर उसको अल्लाह का मुती बनाता है आप जो है अल्लाह के सामने खड़े हैं तो ये खारिश नहीं करनी और कई बंदे हैं वो कभी ऐसे नमाज के अंदर ही सलवार ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं कपड़े सीधे कर रहे हैं उठते हैं फिर पीछे से कमीज को झटकना शुरू कर देते हैं ये सारी चीजें नमाज को बर्बाद करती है बावजू होना और बावजू होकर पूरी तवज्जो से मैं क्या पढ़ रहा हूं उसका माना क्या है और मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं और मैंने कोई भी हरकत नहीं करनी ना ऐसे होना है ना ऐसे होना है। ना मुझे वसवास पकड़े रसूल ने फरमाया सिर्फ ऐसी दो रखते पढ़ ले अल्लाह तबारा का मतला उसकी जिंदगी के सारे गुना माफ कर देता है। दो रखते हम अब ये सोचे खोताबा भी उलमा भी आयमा भी दाड़ियों वाले भी, बगैर दाड़ियों के नमाजी फराय वाले नफलों वाले हम अल्लाह के सारे जो बंदे हैं सोचें कि क्या सारी जिंदगी में हमने ऐसी दो रक्तें पढ़ी और इन दो रक्तों के बारे में मैं किसी इमाम की वली की पीर की मौलवी की बात नहीं कर रहा मैं नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जरात इसी के साथ मैं दूसरी अदीज सुनाता हूं नबी सलाम मिराज पर गए बड़ी ईमान अफरोज बात है मां बाप के साथ उसने सलूक करने वालों अल्लाह तबारक वाल को तुम्हारी आवाजों से भी मोहब्बत है जो मां बाप के साथ उसने सलूक करता है नबी सलाम फरमाते हैं मैं मिराज पर गया जन्नत के अंदर मुझे कुरान के पढ़ने की जन्नत के अंदर कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही है मैंने पूछा ये किस बंदे की आवाज है कि जन्नत के अंदर उसकी तिलावत की आवाज आ रही है अब वो बंदा जो है वो मक्का के अंदर कुरान मजीद पढ़ रहा है या जमीन पर पढ़ रहा है किसी जगह जमीन पर कुरान पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह ताला को उसकी आवाज इतनी पसंद है कि उसकी आवाज का जो लाउड है वो अल्लाह ताला की जन्नत के अंदर है फरिश्ते सुन रहे हैं जिब्राइल अलम सुन रहे हैं नबी करीम सुन रहे हैं तो मैंने पूछा ये किसके कुरान के पढ़ने की आवाज है उन्होंने कहा जी ये आपके एक जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला हारिसा बिन रजी अल्लाह तो ये उनकी आवाज है हारिसा बिनान की तो मैंने कहा जी इतना इनको दर्जा क्यों मिला है किस वजह से इनकी आवाज इधर आ रही है ये अपनी मां के साथ बड़ा करता है इस वजह से इसकी आवाज अल्लाह की जन्नत में आ रही है पर मैं मुझे कदमों की, चाप सुनाई दी। कदमों की चाप जन्नत के अंदर मैंने पूछा ये कदमों की चाप की आवाज किसकी है कदमों की जो चाप की आवाज है ये किसकी है तो बताया गया कि ये बिलाल रजी अल्लाह तला के कदमों की आवाज है ये जन्नत के अंदर इनके कदमों की आवाज क्यों सुनाई दे रही है आप गुजरावाला में चले अपने मोहल्ले में चले अपने वतन में चले आपके कदमों की आवाज भी अल्लाह की जन्नत में जा सकती है अमल छोटा है कोई बड़ा अमल नहीं है वो अमल कौन सा है बिलाल रजी अल्लाह त जब भी वजू करते थे तो वजू की दो रखते पढ़ते थे वजू की क्या पढ़ते थे दो रखते अल्लाह ताला हमें भी ये पढ़ने की तोहफी कथा फरमाए आप में से कई बंदे होंगे कि जिन्होंने सारी जिंदगी वजू की दो रखते नहीं पड़ी तो अल्लाह के बंदो वजू की दो रखते इस सुन्नत पर भी अमल करना है ये बहुत बड़ा अमल है अल्लाह हमें अमल की तोहफी कथा फरमाए